हेट स्पीच और उससे उपजी हिंसा से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को व्यावहारिक और शीघ्र सख्त कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए हम अपने फैसले में कुछ बदलाव या ढिलाई नहीं करेंगे, हम उसमें कुछ जोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, सीसीटीवी लगाने आदि के संबंध में जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा कि सभी जिलों में डीसीपी के नेतृत्व वाली कमेटी होनी चाहिए। जहां भी 4 या 5 से अधिक मामले हों, डीसीपी नोडल अधिकारी को सूचित करें और ये सुनिश्चित करने के लिए एक समिति बनाई जाए कि कोई हेट स्पीच ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम चाहते हैं कि निर्देशों का सही सही पालन हो। निर्देशों का पालन न होने की सूरत में याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जा सकते हैं। हम पूरे भारत में हो रही चीजों पर निगाह नहीं रख सकते। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए स्पष्ट कानून है, उसमें चूक होने से गड़बड़ी होती है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऐसे आयोजनों के दौरान जहां जहां सीसीटीवी नहीं है वहां सीसीटीवी लगाए जाएं। अगर कोई सीसीटीवी उपलब्ध नहीं है और कोई विरोध प्रदर्शन या रैलियां अपेक्षित हैं तो सुनिश्चित करें कि वे वीडियो रिकॉर्ड किए गए हैं। पीठ के अगुवा जस्टिस संजीव खन्ना ने सभी राज्यों से सीसीटीवी लगाने और नोडल अफसरों को नियुक्ति के आदेश के अनुपालन की जानकारी मांगी। सभी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को राज्यों से यह जानकारी इकट्ठा कर सुप्रीम कोर्ट तक 3 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी सौंपी है। जो राज्य नहीं कर पाए हैं वो भी हल्फनामे में इसकी जानकारी देंगे। पक्षधर भी इसमें अपने सुझाव रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।